गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सबको घर पे रहना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और साथ साथ में पढ़ाई भी हो रही है। आप सबको पढ़ाई भी थोड़ी देर जरूर करनी है। और जैसे कि आपको पता है, भारती मैम ने आपको बहुत सारी व्यंजन कहानियां कर सुनाई थी ना, अब कमल मैम उस सभी व्यंजन कहानियों को रिवाइज करा रही है। तो आज हम अक्षर परिचय बुक में से घ व्यंजन की कहानी को रिवाइज करेंगे। पहले हम घ व्यंजन के शब्द देखेंगे। ये देखिए, ये कौन है? घनश्याम। और घनश्याम किसके ऊपर बैठा है? घोड़े के ऊपर। ये है घोड़ा। और ये घनश्याम की उंगली है जिसमें एक घाव हो गया है और उसमें से ये देखिए खून टपक रहा है। और ये घास है, हरी हरी घास। और घास पे ये क्या रखी है? घड़ी। और ये घ घुंघरू। और ये देखिए, ये घड़ा। और इसे क्या बोलेंगे? घर। और ये क्या है पेड़ के ऊपर? घोंसला। बच्चों आपको पता है, ये जो चिड़िया है या और कोयल है, ये बर्ड्स हैं, ये पेड़ के ऊपर अपना घर क्यों बनाते हैं? चिड़िया के घर को ही तो घोंसला कहते हैं। क्या आपको पता है ये इसके ऊपर क्यों बनाते हैं? पेड़ के ऊपर अगर ये नीचे बनाएंगे तो कैट, डॉग या और कोई भी एनिमल इनके जो है ना बच्चों को खा जाएगा। इसीलिए अपना घर जिसको हम घोंसला बोलते हैं ट्री के ऊपर बनाते हैं, पेड़ के ऊपर बनाते हैं। तो ये हैं सब घ से शब्द। अब कहानी सुनते हैं। घनश्याम की उंगली में एक घाव हो गया था जिसमें से खून टपक रहा था। वो अपने घोड़े के ऊपर बैठकर डॉक्टर के घर की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में उसने हरी हरी घास पर एक घड़ी और घुंघरू रखे हुए देखे। जैसे वो डॉक्टर के घर के सामने गया तो उसने देखा वहां पर एक घड़ा रखा हुआ था। और डॉक्टर के घर के सामने एक पेड़ था और पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। जैसे ही घनश्याम घड़ी और घुंघरू उठाने के लिए नीचे झुका, घनश्याम का घोड़ा दो पांव पर खड़ा हो गया। बच्चों अब आप देखिए, ये घ व्यंजन की जो कहानी है इसमें सारे शब्द घ से हैं। और पूरी कहानी में जो शब्द हमने सुने उसमें सब में से घ की आवाज आ रही है। तो आपने इस कहानी को अब बड़े अच्छे से रिवाइज करना है, लर्न करना है और साथ में मैम को सुनाना है। अब मैम आपको फिर एक और कहानी के साथ मिलेगी। टिल देन बाय।